हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग क्लासेस। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4C के नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। वीडियो लेंथी होने की वजह से इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट वन में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, आज हम 7 से देखने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड 34 माइनस ऑफ -72 एंड -72 -34 आर दे इक्वल। इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हो और फिर इसे सॉल्व करते हो, मतलब दोनों ये अलग अलग हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? अगर इसे सॉल्व करो और इसे सॉल्व करो तो इन दोनों से जो वैल्यू मिलती है क्या वो इक्वल है? तो ये हमें सॉल्व करके ही पता चलेगा कि वो इक्वल है या फिर इक्वल नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। आपका क्वेश्चन था 34 माइनस ऑफ -72, ये था। तो हमने देखा था जब ऑफ करके होता है तो हमें क्या करना होता है, कैसे करेंगे देखते हैं। 34 माइनस ऑफ माइनस, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस 72। अब इन दोनों को क्या करना है, सिंपली ऐड करना है। ऐड करने पर आपका आ जाएगा 106। ओके, फिर एंड करके फिर से लिखा हुआ है, कोई दूसरा है, -72 ब्रैकेट है -34 है, ठीक है, आप बुक में देख सकते हो, ये है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, -72 और ये -34, ब्रैकेट से हमने इसे बाहर किया है तो ये -72 और ये माइनस लिखा, फिर -34 लिखा, ठीक है। तो -72 -34 क्या हो जाएगा, माइनस का 106 हो जाएगा। क्यों, इन दोनों को ऐड करोगे तो 106 आया। और ये नेगेटिव साइन क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों इंटीजर जो था वो नेगेटिव था, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो क्या ये दोनों इक्वल है, एक तो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, दे आर नॉट इक्वल। ओके, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13, इफ वन ऑफ द नंबर इज 170 फाइंड द अदर। इसमें कहा जा रहा है कि अगर दो इंटीजर्स का सम आपका -13 है और उसमें से एक नंबर अगर आपका 170 है तो दूसरा आपको बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दूसरा नंबर को x मान लेते हैं, कोई दूसरा नंबर मान लिया, लेट द अदर नंबर बी x, ठीक है। देन यहाँ पे कॉमा है और ये आपका स्टॉप है, ठीक है, फुल स्टॉप। तो हमने दूसरा नंबर क्या मान लिया, x मान लिया। तो आप पहला नंबर आपको पता था क्वेश्चन में क्या लिखा है, 170, फिर दूसरा नंबर क्या है आपका x। अब इन दोनों का सम आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में -13, ठीक है। आपने देखा था वहाँ पे लिखा था द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -13 इफ वन ऑफ द नंबर इज 170, तो आपको अदर बताना था। तो हमने लिखा दो इंटीजर्स का सम क्या था, -13 था, उसमें से एक नंबर आपका 170 है और दूसरा हमें बताना है। तो अब आप लिखोगे x, ये डैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, पहले आप लिखोगे इक्वल के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है ना, पहले आपको वो लिखना है, ठीक है जी। तो आपने लिखा -13, अब देखो यहाँ पे है 170 को आपको इधर लेकर आना है, मीन्स आपको x को अकेला आपको करना था। अब 170 आपका कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप देख पा रहे हो ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है ना। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये 13 के साथ अगर आ रहा है तो ये नेगेटिव इंटीजर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, अगर हम 13 के साथ इसे लिखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव इंटीजर बन के आएगा। अगर ये नेगेटिव इंटीजर होता तो हम 13 के साथ इसे पॉजिटिव करके लिखते, यहाँ पे हम इसे प्लस करके लिखते, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको नेगेटिव बना देना है,
अगर नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव बना देना था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, माइनस माइनस आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो इन दोनों इंटीजर्स को आप प्लस करोगे तो आपका आएगा 183, और आपको साइन किसका लगाना है, तो आपको नेगेटिव का साइन लगाना है ना, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव अगर हो तो उनको ऐड करना होगा, और साइन भी किसका देना होगा, तो नेगेटिव साइन देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है आपका वो सेम इसी के जैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 जैसे है वैसे आपका 9 भी है, तो आप उसे खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर होता है। तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दो इंटीजर्स को आप जब भी ऐड करोगे तो आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, दो इंटीजर्स का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, हमेशा इंटीजर होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, ओके। अब देखिए ये जो तीन क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करके बताना है, तो सॉल्व कर सकते हो आप। पहला क्या था, ये 33 नंबर में -14, पहले लिखना है आपको -14, और उसके बाद ये साइन लगा देना है, जैसे लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है लेकिन बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो पहले हम -8 लिखेंगे। अब देखिए ये हमने अभी देखा था कि माइनस ऑफ माइनस है तो क्या होगा, प्लस क्या होगा, 7, प्लस क्या हो गया, 7। अब एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या मिल के आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, है ना। तो 1 क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो क्योंकि हमने 8 से सब्ट्रैक्ट किया तो 8 का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमें इसके आगे नेगेटिव का साइन लगाना होगा। तो अब हमें देखना है कि कौन सा बड़ा है, -14 ग्रेटर है क्या -1 से, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो नेगेटिव इंटीजर में जो जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा, मीन्स जो छोटा दिखाई देगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा दिखेगा वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 14 आपको दिख रहा है, 14 बड़ा है और 1 छोटा है, बट लेकिन यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से ये जो बड़ा है ये छोटा बन जाएगा और ये 1 जो है ये 14 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो इसमें आपको फॉल्स करना होगा, ठीक है। ये आपका फॉल्स हो गया, क्वेश्चन 3 आपका फॉल्स हो गया, ओके। नेक्स्ट है -5 -2, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो क्या मिलेगा, -7, और उसके बाद साइन इसकी तरफ है, फिर -8, तो बताइए ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑब्वियसली क्योंकि -7 क्या है, -8 से ग्रेटर है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, बट जो छोटा है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर में क्या होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो इसमें आपको ट्रू लिखना होगा, ओके। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, -7 -3 क्या बनेगा, -10। माइनस माइनस क्या करना होता है, ऐड करना होता है, और साइन हमने किसका दिया, क्योंकि दोनों नेगेटिव इंटीजर था तो हमने माइनस का साइन दिया, नेगेटिव का साइन दिया, ठीक है। फिर देखिए बीच में इक्वल लिखा है तो हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए इधर क्या है, इधर है -3। अब देखिए -ऑफ -7, तो -ऑफ -7 क्या होगा, +7, है ना। फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे इसका, नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करते हैं, -10 लिखा, इक्वल किया, अब 7 प्लस में है और 3 माइनस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मीन्स आपको 7 में 3 सब्ट्रैक करना है, 7 में 3 सब्ट्रैक करना होगा तो क्या आ जाएगा, 4, और 4 आपका पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि 7 आपका पॉजिटिव में प्लस में था तो प्लस में किया। अब आप देख कर बताओ यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल हैं, आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वल नहीं है ये, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, द पॉइंट ए इज ऑन अ माउंटेन विच इज 5700 मीटर्स अबव सी लेवल। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फिगर आप देख पा रहे हो, ए जो है आपका, ये क्या है, ये पॉइंट ए जो है आपका एक माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन की ये हाइट एक तरह से हो गई, ये आपका माउंटेन है, इसकी ये हाइट कहाँ तक है, तो ए तक है, फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से ऊपर, ठीक है। ये सी लेवल, ये आपका सी लेवल है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सी लेवल, तो इससे यहाँ ए जो है ये आपका क्या है, माउंटेन की ये हाइट है, ठीक है। एंड पॉइंट बी इज इन माइन, पॉइंट बी इज इन अ माइन विच इज 39,600 मीटर बिलो सी लेवल। ये सी लेवल से कहाँ है, बी में एक क्या है, माइन है, ये बी जो है ये आपका एक माइन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी इसकी जो डेप्थ दी गई है, ये कितनी गहराई पर है, तो ये आपको दिख रहा होगा 39,600, ये वाला आपको दिया हुआ है 5700 मीटर, और ये वाला जो आपको डेप्थ दिया है, तो आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 4A में ही कि जो ऊपर हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, नीचे हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सी लेवल से नीचे है, तो ये नेगेटिव में करके लिख सकते हैं इसे, ठीक है, ये इतना हो गया। अब बताना है ये आपको क्या, फाइंड वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये आपको डिस्टेंस बताना है, ए और बी की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, हाइट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम सी लेवल, ये आपका गिवन है, पॉइंट ए मतलब जो हाइट हो गई सी लेवल की, हाइट ऑफ पॉइंट ए, ए की जो हाइट है सी लेवल से वो इतनी है, और हाइट ऑफ, सॉरी ये हाइट नहीं होगा, यहाँ पे आपका डेप्थ हो जाएगा, ये आपका डेप्थ हो जाएगा, गहराई, ठीक है, ये आप इसे हाइट नहीं डेप्थ कर लेना, डेप्थ ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम सी लेवल, ठीक है, डेप्थ कितनी है, तो 39,600 मीटर। वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के डिस्टेंस क्या होगी, दोनों को ऐड करना था हमें, तो यहाँ पे दोनों को, यहाँ पे आप इसके आगे माइनस का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर लेना, माइनस का 39,600, और उसके बाद देखो हमने क्या किया है, ऐड करना था, माइनस माइनस इतना, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हमने माइनस किया, बट ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस, दोनों को ऐड करने पर आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ठीक करना था, पहला ये जो हाइट है यहाँ पे आपको डेप्थ करना होगा, ठीक है, यहाँ पे आप डेप्थ लिख लेना, और ये जो आपका ये वाला जो नंबर लिखा है इसमें आपको ये जो डेप्थ इसकी है ये माइनस में, आपको इसी लाइन में आपको दो चीज़ें ठीक करनी है, यहाँ डेप्थ करना है और इसमें आपको माइनस लगा लेना है, बाकी ये ओके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ऑन अ डे इन श्रीनगर द टेम्परेचर एट 6 PM वाज 1 degree Celsius। किसी दिन श्रीनगर की जो टेम्परेचर थी 6 PM पे 6 बजे शाम को वो कितनी थी, तो 1 degree Celsius थी, बट एट midnight दैट डे, उसी दिन midnight को मीन्स रात में, इट ड्रॉप्ड टू 4 degree Celsius, -4 degree Celsius। उसी दिन जो रात को, midnight का मतलब क्या हुआ, रात के 12 बजे वो जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया, ड्रॉप्ड हो गया, गिर गया, कितना हो गया, -4 degree Celsius हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस डिड द टेम्परेचर फॉल, तो वो पूछा जा रहा है कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में बताना है कि वो कितना फॉल हुआ है, कितना कम हुआ है, कितना गिर गया है वो टेम्परेचर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करना होगा आपको, इनिशियल टेम्परेचर आपको पता है श्रीनगर की 6 PM पे कितनी थी, तो 1 degree Celsius, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये थोड़ा ऊपर करके आपको लिखना होगा, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर करके लिखना, 1 degree Celsius। फाइनल टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एट midnight, ये आपका फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो -4 degree Celsius है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो चेंज हुआ है, तो आपको फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को सबट्रैक्ट करना है, फाइनल में से इनिशियल को सबट्रैक्ट करेंगे, फाइनल क्या है, -4 degree Celsius, और इनिशियल क्या है आपका, 1 degree, तो माइनस था तो माइनस लगाया, उसके बाद 1 कर दिया, तो -4 और -1 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, तो माइनस में, और ये क्या हो गया, -5 degree Celsius,
तो यहाँ पे जो ये जो माइनस दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो टेम्परेचर कितना फॉल हुआ, कितना गिरा है, उसके लिए उसका ये साइन है, उसका ये माइनस वाला साइन किसको बता रहा है, तो कितना टेम्परेचर फॉल हुआ है वो बता रहा है। आपका आंसर ये हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।